यहाँ का टेम्परेचर अभी है -12 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक -20 डिग्रीज़। देखिए पहाड़ लाइट्स में कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ का विशेष आकर्षण मिल पॉन्ड्स, अभी तो फिलहाल सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। और देखिए बर्फ़ से ढकी हुई टेबल, बर्फ़ से ढका हुआ चेयर, रास्ते में टायर स्केड हो रहे हैं। उधर देखिए कार की क्या हालत हो गई है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे ही हैं। आज 24 दिसंबर है, तो एक छोटे से ट्रिप का प्लान किया है। तो अभी कार रेंट करने जा रहा हूँ। आप लोग मुझे देख के समझ ही रहे होंगे कि अभी यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्रीज और फील्स लाइक -20 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए इतना कुछ पहना हुआ है। फिर भी पैदल ही चल रहा हूँ, एक बार कार में बैठ जाऊँ तो बस शांति। चलिए चलते हैं। अभी मैं कार लेके कॉन्डो वापस आ गया। ये हमारे कॉन्डो का अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया है। कार रेंट में मुझे आज मिला है किया सोल। अच्छा है, दिखने में हमारे इंडिया में वो विटारा ब्रेजा जैसा दिखता है। यहाँ और एक चीज़ मैंने डिस्कवर किया कि विंटर्स में यहाँ अलग से टायर्स लगवाने पड़ते हैं, जिनको ये विंटर टायर्स बोलते हैं। अगर आप करीब से देखेंगे तो ये टायर्स थोड़े से साइज़ में बड़े हैं और इनमें थोड़े से ज़्यादा ग्रूव्स भी हैं। रेंटल कंपनी ने इसके लिए $20 एक्स्ट्रा पर डे चार्ज किया, लेकिन हमें वो ऐसे भी लगवाना ही पड़ता। आखिर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो सेफ्टी का पैरामाउंट इम्पोर्टेंस तो बनता ही है। कल हम लोग जा रहे हैं ब्लू माउंटेन, तो क्रिसमस मनाने हम लोग निकल पड़े ब्लू माउंटेन की ओर। रास्ता लगभग 125 किलोमीटर का है। शुक्र है कि हमने विंटर टायर्स लगवा लिए थे, क्योंकि जैसा आप लोग देख ही रहे हैं पूरी धरती बर्फ के गलीचे में ही ढकी हुई है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ब्लू माउंटेन्स। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं बाहर इतनी बर्फ़ हो रखी है। मैंने तो इतनी बर्फ़ में कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है। बीच बीच में तो टायर्स भयानक स्किड हो रहे थे। टीना तो बिल्कुल डर गई थी, कुटुश हो रही थी तो वो नहीं डरी। खैर टीना घर से ही पास्ता, लोबिया, फिर पराठे बना के लाई है लंच के लिए। मुझे तो कोलकाता के चिड़ियाघर में पिकनिक मनाने वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ से अपना होटल लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, तब तक के लिए चलिए इस जगह को थोड़ा घूम फिर लेते हैं, स्की वगैरह कर लेते हैं। तो फिर कार पार्किंग करके हम लोग धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं ब्लू माउंटेन की ओर। और देखते ही देखते फिर से स्नोफॉल भी चालू हो गया। हमने भी अपने स्नो बूट्स पहन लिए। और उधर देखिए एक मीडियम साइज स्नो रिमूवल ट्रक, ऐसे ट्रक्स लगातार बर्फ़ हटा रहे हैं रास्ता साफ रखने के लिए। देखिए 25 दिसंबर को इतनी ठंड में भी इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। ये तो बस एक ही पार्किंग लॉट है, ऐसे और भी कई सारे पार्किंग लॉट्स पूरे भरे पड़े हैं। अरे वो आ रही हैं स्नेहा और कुटुश। हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है? ठंड में मैं पूरी तरह से जम गई हूँ, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। इतनी ठंड मैंने कभी महसूस नहीं की, मेरे चेहरे पे पूरा स्नो आके गिर रहा है। और मैडम आपके क्या विचार हैं? इसको तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। वैसे सच बताएं तो हम तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, और इतनी बर्फ़ हो रखी है। तो अभी हम ब्लू माउंटेन विलेज एंटर कर रहे हैं। यहाँ कितने क्रिसमस स्टोर्स हैं, कितनी तरह की चीज़ें हैं, और देखिए कितने सुंदर तरीकों से ये इन्होंने घर को सजाए हुआ है। और यहाँ देखिए एक कैंप फायर भी लगा हुआ है इस कड़क सर्दी में थोड़ी गर्माहट लाने के लिए। और ये यहाँ का क्रिसमस ट्री है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी आज यहाँ। यहाँ अभी बहुत लोग आए हुए हैं। अभी -5 है और फीस लाइक -12 है, लेकिन इतने लोगों को घूमते फिरते देख लग ही नहीं रहा है कि अभी -5 है। और हम दोनों की ये हालत है, हमने तो अंदर 3 जैकेट्स, फिर टोपी, मफलर सब पहना हुआ है, इसीलिए शायद चल भी पा रहे हैं। और इस स्ट्रीट के तो क्या कहने, यहाँ रास्ते के दोनों साइड्स में जैसा देख रहे हैं कैफेस, बार्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, इनसे सब खचाखच भरा पड़ा है। वैसे अरिंदम की भी फैमिली आई हुई है आज यहाँ, हम जाके अभी उन्हीं से मिलेंगे और बच्चे भी आपस में खेल लेंगे। अच्छा कभी आपने बर्फ़ की गद्दी वाली चेयर पे तस्वीर रखी है? तो यहाँ देखिए बर्फ़ से ढकी हुई टेबल और बर्फ़ से ढका हुआ चेयर। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बर्फ़ का छोटा सा एक पहाड़ भी बनाया हुआ है।
रिंदम और फैमिली भी यहीं कहीं होंगे। चलिए ढूंढ निकालते हैं। इस बर्फ में सारे बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सब बच्चे एक ही जैसे दिख रहे हैं और कौन किसका बच्चा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बर्फ का छोटा सा पहाड़ देखा ना अभी आपने, उसको इसी छोटे से स्नो रिमूवल ट्रक ने बनाया है। अब हम जा रहे हैं मिल पॉन्ड्स देखने। यहाँ का विशेष आकर्षण है मिल पॉन्ड्स। अब तक तो ये पॉन्ड बर्फ में पूरी तरह जम भी गया होगा। आइए देखते हैं। तो ये लीजिए, आ गए मिल पॉन्ड्स। लेकिन पॉन्ड तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो पूरा जम के बर्फ हो गया है। तो ये है हमारी मैडम टीना और उनकी बेटी कुटकुट। ब्लू माउंटेन असल में एक स्की रिजॉर्ट है और टोरंटो के लोग यहाँ आते हैं पीक विंटर्स में स्की करने के लिए। यहाँ इन टोटल 42 स्की ट्रेल्स हैं, कुछ आसान हैं और कुछ सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए। यहाँ रोपवे से ऊपर चढ़ के फिर स्की करके नीचे आना पड़ता है, और समर में यही ट्रेल हाइकिंग के लिए यूज़ होते हैं। समर में यहाँ का व्यू देखने लायक है। उस साइड देखिए डॉक्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन अभी तो फिलहाल सब कुछ बर्फ़ से ढका है। टीना और कुटकुट अपने चारों तरफ इतनी स्नो देख के खुशी से झूम उठे। मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अरे ये लीजिए, फिर से जोरों का स्नोफॉल भी शुरू हो गया। कुटू सब बहुत थक गए, उससे और नहीं चला जा रहा है। तो कभी टीना कभी मैं उसको गोदी में उठा के चल रहे हैं। तो हाँ जी मैडम, अब कैसा लग रहा है? बहुत ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जम गई हूँ। तो ठंड से काबू टीना और थकी हुई कुटुश को लेकर और हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, और कुछ प्यारे स्नैप्स लेके हम लोग पार्किंग लॉट वापस आ गए। दरअसल शाम होने से पहले होटल के लिए निकलना भी था, इसलिए स्की करने की मेरी जो इच्छा थी वो पूरी ना हो पाई। पहाड़ियों के लाइटिंग को देख के ही मन भरना पड़ा। रात के अंधेरे में ऐसी हालत हो रखी है, सामने कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, पूरा ब्लैक आइस हो रखा है, उसी के ऊपर ड्राइव किए जा रहे हैं। अक्सर ही टायर स्किड हो रही हैं, गाड़ी से कंट्रोल इधर उधर हो रहा है, फिर भी गाड़ी चलाना तो है ही। शुक्र है कि और कुछ ही देर में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे बस। लेकिन इस तरह का एडवेंचर का खौफ कह लीजिए या थ्रिल, कैनेडियन रास्तों में जिसने गाड़ी नहीं चलाई उसको समझ नहीं आएगा। हालांकि बाहर -5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कार के अंदर बिल्कुल वार्म फीलिंग है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पूरा ध्यान ड्राइविंग पे लगा हुआ है ताकि टायर्स कहीं स्किड ना हो जाए। तो आखिर पहुंच ही गए अपने होटल। इस होटल का नाम है ट्रैवल लॉज। ये ब्लू माउंटेन से 50 किलोमीटर की दूरी पर ओवेन साउंड नाम के एक छोटे से शहर में है। ब्लू माउंटेन में भी बहुत से होटल्स हैं, लेकिन क्रिसमस वीकेंड रश के चलते हमें वहाँ बुकिंग नहीं मिली थी। खैर, बाहर की कड़क ठंड से जब हम होटल की गर्माहट में पहुँचे तो सबको थोड़ी सी राहत मिली। रूम्स यहाँ काफ़ी ठीक ठाक ही हैं। यहाँ एक डबल क्वीन बेड है, उधर एक वार्डरोब है, यहाँ बड़ी सी एक मिरर भी है। बालों की हालत एकदम बेकार हो रखी है, और ये वॉशरूम स्टैंडर्ड ही है। अरे ओ बच्चा पार्टी, क्या कर क्या रहे हो? पूरा बवाल मचा के रखा हुआ है। तो अभी हम लोग बाहर निकले थे डिनर का बंदोबस्त करने, लेकिन क्रिसमस के चलते कुछ भी खुला नहीं था, ना इंडियन ना चाइनीज। तो हमारा आखिरी रास्ता वही पिज़्ज़ा हट। हाँ, ये अपना वो सेम पिज़्ज़ा हट ही है। फॉर्चुनेटली ये खुला था इस वक्त। यहाँ से हमने चिकन पिज़्ज़ा और चिकन विंग्स ऑर्डर किया था, साथ में था चिकन पास्ता, लेकिन इसको पिज़्ज़ा हट ने नहीं, हमारी श्रीमती ने बनाया है। तो वो देखिए बाहर, ये है बड़ी वाली स्नो रिमूवल ट्रक। इन्हीं की वजह से बड़े रास्ते स्नो क्लियर रहते हैं, और अगर इन्होंने स्नो नहीं हटाया तो रास्ते की हालत ऐसी और पार्क किए हुए कार्स की हालत ऐसी। तो टीना, क्या कैसा लगा जब हम लोग गाड़ी से वापस आ रहे थे?
मज़ा तो बहुत आया, लेकिन जब टायर स्कीड हो रही थी ब्लैक आइस पर तब बहुत ही डर लग रहा था। मैं भगवान को बुला रही थी कि जैसे तैसे होटल पहुंचा दो भगवान, बहुत हुआ स्नो में ड्राइविंग, कल भी सेफली घर पहुंच जाए भगवान की कृपा से, बस शांति। होटल तक तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन आपने थोड़ा सा वो रास्ता तो देखा ही, तो हम जब उस रास्ते पे आ रहे थे ना, तो वो इतना खतरनाक था कि जिसने इन कंडीशंस में गाड़ी नहीं चलाई वो समझ नहीं पाएगा। वो फेमस डायलॉग की तरह बोले तो, हमें धुआंधार बारिश में डर नहीं लगता साहब, लेकिन स्नो पर टायर स्किड होने से लगता है। क्योंकि जब टायर स्किड होते हैं ना, तो कार पर कंट्रोल नहीं रहता, तब लगता है कि हम तो गए काम से। तो ऐसे सिचुएशन में इधर कर रहा हूँ ड्राइव, और उधर टीना आंख बंद करके कर रही है ऊपर वाले का नाम जाप। कल का फिर कल देख लेंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह हमने मनाया व्हाइट क्रिसमस, कुछ शानदार एक्सपीरियंसेस और कुछ खूबसूरत पल मन में मीठी यादें बनके हमेशा रह जाएंगी। और भी अच्छा लगा कि हम आपके साथ इस जर्नी को शेयर कर पाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्दी ही लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।